Going Places, Chapter 8, Flamingo, Class 12, English. As you see, the title Going Places means Jaga Jaga Jana. I am going places, that means I am moving from one place to another. And when we say from one place to another, it is not that from one shop to another nearby shop. Going places means Going to places which are little distant, maybe different cities, different towns, different picnic spots, uh, different uh, places in the city itself which are little far away from each other. In the same mall, when we go from one shop to another, we don't call it "I am going places." But when we go to different malls, then we say, "We are I am going to places." So I am busy going places. The very Common use of uh, in English. I am very busy going places. मैं यहाँ वहाँ जाने में बहुत व्यस्त हूँ. This story, this is a story first of all, a story of uh, basically of two three characters, a girl being the main character by the name Sophie. एक लड़की की कहानी है मुख्य रूप से जो एक कल्पना की दुनिया में रहती हो. कपोल कल्पना की दुनिया में अजीब व गरीब कल्पना में और वो लड़की किशोरावस्था में है शी इज इन एडोलसेंट एज इन योर बुक सम डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब एडोलसेंट एज एडोलसेंट मीन्स किशोरावस्था जब आप टीन की एज में आ गए हैं और युवा की ओर बढ़ रहे हैं वो काल कहलाती किशोरावस्था की किशोरावस्था के काल की एक लड़की सोफ़ी उसकी एक कहानी है उससे उसके आधार पर लिखी गई उसको केंद्र बिंदु पर रख के जिसमें वो कल्पना की उड़ान करती है ये वो उम्र है जिसमें लोग कल्पना की दुनिया में रहते हैं क्या क्या ख्वाब देखते हैं और ऐसे ख्वाब जो सच्चाई से बहुत परे हैं एक कल्पना की उड़ान के लिए शब्द है फैंटेसाइज कपोल कल्पना Fantasize. So it is a story about story by A. R. Barton, who is uh, an English writer. I mean writing in English, but otherwise he is from Zurich. Look at Zurich, a beautiful place, the capital of Switzerland, and. सो फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कंसान जीवन की गुणवत्ता की बात हो तो दुनिया में 2006-7 में जो सर्वे हुआ था कि सबसे अच्छे एक शहर कौन से हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से तो ज्यूरिच को पहला स्थान मिला था इट इज सच ए सिटी फुल ऑफ हेल्थी एटमोसफियर एब्सोलुटली क्लीन एयर एब्सोलुटली पोल्यूशन फ्री एंड वॉट नॉट इस ज्यूरिस शहर के रहने वाले मिस्टर ए आर बाटन की अंग्रेजी में कहानी है ज्यूरिस जैसा मैंने कहा स्विट्जरलैंड में है और वहां की राजधानी है करीब चार पांच लाख उसकी जनसंख्या है बस और सौ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ शहर है तो मिस्टर बाटन इज ए मॉडर्न राइटर नए तरीके की कहानियां लिखते हैं एंड राइट्स इन इंग्लिश इन दिस स्टोरी गोइंग प्लेसेज मिस्टर बाटन एक्सप्लोरस द थीम ऑफ एडॉलसेंट एक्सप्लोर करना मतलब छानबीन करना टू एक्सप्लोर आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस कोई आपसे पूछता है कि तुम कहाँ हो तो मैं आ, मैं चिल्पी घाटी में हूँ वहाँ क्या कर रहे हो आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस मैं नई नई जगहों की छानबीन कर रहा हूँ आसपास के क्षेत्रों को घूम रहा हूँ तो टू एक्सप्लोर मतलब दैट एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू डेली नेक्स्ट मंथ अगले महीने दिल्ली जाने की संभावनाओं की जरा छानबीन तो करो सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू डेली नेक्स्ट मंथ सो एक्सप्लोर एंड एडोलेसेंट मीन्स किशोरावस्था फैंटेसाइजिंग कपोल कल्पना एक कल्पना की उड़ान ख्वाबों की दुनिया अवे फ्रॉम द रियलिटी। और दूसरी बात जो इस कहानी में दिखाई गई है वह है हीरो वर्शिप रिमेम्बर स्पेलिंग इज एच ई आर ओ सामान्यतः हम हिंदी में उसे हीरो कहते हैं अंग्रेजी में उसे हेरो कहा जाता है उसका ध्यान दें हे हेरो, हेरो वर्शिप पूजा वर्ष बने पूजा तो व्यक्ति पूजा और कल्पना की उड़ान ये किशोरावस्था के बच्चों की एक क्वालिटी है गुण है इस उम्र की दहलीज पर जब आते हैं तो ना जाने किस किस तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं लोग और कैसे वे किसी व्यक्ति को अपना नायक बना लेते हैं अपना हीरो बना लेते हैं और वो नायक जैसा बातचीत करना नायक जैसा जीवन सहन रहन सहन लाने की कोशिश करना नायक से अपने को जोड़ना ये इस उम्र की खास बात है सो दिस स्टोरी इज जनरली अबाउट चिल्ड्रन हु आर इन द एडोल्थ एज फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 16-17 टिल अबाउट 22-23 एंड दे आर फैंटेसाइजिंग कल्पना कर रहे हैं और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ यू नो वर्शिप वर्शिप मतलब पूजा लेकिन ऐसी पूजा यहाँ नहीं है वर्शिप मतलब किसी को अत्याधिक पसंद करना हीरो वर्शिप किसी को हीरो मानना आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों के कमरों में जब आप जाएँ यदि उनका अपना स्वयं का कमरा हो तो वहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं बहुत सारे चित्र रहते हैं और उन चित्रों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ खास लोगों के चित्र लगाए गए हैं चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग हो चाहे बड़े बड़े पोस्टर हों चाहे टीवी से इमेज ले ली गई हो और उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाया गया हो ऐसा कमरों में लगा रहता है खासकर आप हॉस्टल्स में जाएंगे जब इस उम्र के बच्चों के हॉस्टल में जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है या ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ रहे हैं तो इनके हॉस्टल में भी इस ढंग का दृश्य दिखता है ये सब क्या है दिस इज़ नथिंग बट फैंटिसाइजिंग एंड डूइंग हीरो वर्शिप सो दिस स्टोरी इज अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ़ दैट एज एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज सी उसके माध्यम से कहानी बढ़ती है और पूरे समय लगातार संवाद है बातचीत है उस बातचीत के जरिए आपको ये समझना है कि बच्चे की मनस्थिति क्या है क्या सोचता है कैसे सोचते हैं और संभव है कि आप भी अपने को उस बच्ची की सोच से बहुत निकट पाए अपने को जुड़ा हुआ पाए अरे मैं भी तो ऐसा करता हूं ये इस उम्र का तकाजा है नॉर्मली दिस इज वट इज वॉट हैपन्स दो एंड दिस हैपन्स मोस्टली विद दो आर नॉट फोकस्ड अबाउट देयर करियर एज सच ये सामान्यतः उन लोगों के साथ होता है ऐसी तकलीफ ऐसी आदत जो अपने करियर पर उतना ज़्यादा सजग नहीं है सो वी कम टू द स्टोरी नाउ एंड टू स्टार्ट विथ कुछ शब्दों को यहाँ देखें आई एम फॉलोइंग द बुक एग्जैक्टली योर कोर्स बुक फ्लमिंगो एंड यू लुक एट दीज वर्ड्स नोट इज दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्सट टू इन्फर मतलब अर्थ निकालना Infer मतलब अर्थ निकालना आई infer दैट ही इज नॉट हैप्पी इसका मतलब मुझे ये लगता है कि वह खुश नहीं है इनफरेंस इनफर सो इनफर their meanings, इन शब्दों के मीनिंग निकालें कहाँ से फ्रॉम द कंटेक्स कंटेक्स मतलब जिस संबंध में उस शब्द का उपयोग किया गया है उस संबंध को देखते हुए इस शब्द का अर्थ निकालें एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं जैसे हिंदी में भी एक शब्द के बहुत से मीनिंग होते हैं ऐसे ही एक शब्द का अंग्रेजी में भी कई मीनिंग होता है बहुत सो so, यहाँ पर क्या मीनिंग होगा ये आप जहाँ पर इस वक्त शब्द का उपयोग हुआ है उसको देखते हुए उसका मीनिंग निकालें दैट मीन्स वी विल नॉट हैव द एक्सरसाइज ऑफ मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड राइट नाउ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट सिनोनिम राइट नाउ विल फाइंड आउट इट लेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर लर्निंग तो द स्टोरी स्टार्ट विथ व्हेन आई लीव सोफी सॉफ कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटिक बुटिक मीन्स व्हाट आपने सुना होगा ऐसी दुकानें जहाँ पे फैशन और फैश और कपड़ों की डिज़ाइनों से संबंधित कपड़े बिकते हैं कपड़ों की नई नई डिज़ाइनों के साथ जो नॉर्मली फैशन में काम आती हैं बड़े महंगे कपड़े होते हैं बहुत शौकीन लोग बहुत खर्चीले कपड़े होते हैं ऐसी जगहों को ऐसी दुकानों को बुटीक बोलते हैं कमिंग फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल स्कूल से निकलते हुए कहती है आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक वो वही मैंने बताया कल्पना की उड़ान होती है और उसने कल्पना की कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी जब स्कूल से पास हो जाऊंगी तो फिर मैं अपना एक बुटीक चलाऊंगी अर्थात ऐसी दुकान जहां पे मैं फैशन से संबंधित कपड़े बेचूंगी बड़े महंगे खर्चीले हु हूज हर फ्रेंड लिंकिंग हर अलोंग द स्ट्रीट लिंकिंग आर्म अपना हाथ उसके साथ पकड़ी हुई रखी हुई उसके अलोंग द स्ट्रीट लुकड डाउटफुल यू विल ओपन ए बुटीक काइंड ऑफ थिंग उसने चेहरे से अपनी आ, एक आश्चर्य बताया टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट बहुत पैसा लगता है सोफ ये कुछ ऐसे ही है फैशन डिजाइनिंग की दुकान खोलना कोई हल्का फुल्का काम नहीं है दिस इज वॉट जेंसी इतना हल्का मतलब आई एल फाइंड इट सोफी सेड स्टेरिंग डाउन स्टेरिंग फार डाउन दर मतलब घूर के देखना टू स्टेयर मैंने घूर के देखना लंबा देखना तो जब जेंसी ने कहा पैसा लगता है हल्का फुल्का काम नहीं है और सोफी ने तुरंत जवाब दिया मैं रास्ता निकाल लूंगी और दूर सड़क की ओर देखते हुए उसने ऐसा कहा जेंसी से टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच जितना पैसा लगता है उसको बचाने में सेव करने में बहुत समय लग जाएगा सोफी सेज़ वेल आई वैल बी ए मैनेजर देन ठीक है कोई बात नहीं मैं उतना पैसा इकट्ठा जब तक नहीं कर पाऊंगी तब तक एक मैनेजर रहूँगी उस जगह की येस ऑफकोर्स टू बिगिन विथ शुरुआत में मैनेजर बन के करूँगी टिल आई हैव गॉट इन ना तब तक मैनेजर रहूँगी जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसा आ जाए बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक लेकिन जो भी हो मुझे मालूम है कि सब कैसा है क्या रहेगा कैसा दिखाई देगा लेकिन मैं फैशन में ही जाऊंगी भले मैनेजर बनना पड़े शुरू में जब तक कि पैसा ना आ जाए जेंसी से दे वोंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सॉफ वो तुम्हें तुरंत मैनेजर नहीं बना देंगे स्ट्रेट ऑफ मतलब सीधा वो तुम्हें सीधा मैनेजर नहीं बना देंगे पहले वो सेल्स गर्ल बनाएंगे वार्डरोब हैंडलर बनाएंगे कपड़ों को घड़ी करने का काम दे देंगे और तब जाके कहीं अच्छा किए तो बाद में मैनेजर का मौका मिलेगा पर शुरुआत में यू विल नॉट बी मेड मैनेजर स्ट्रेट ऑफ आई एल बी लाइक मैरी क्वांट सफिशेंट आई एल बी ए नेचुरल दे सी इट फ्रॉम स्टार्ट आई एल द मोस्ट अमेजिंग शॉप द सिटी एवर सीन अमेजिंग मतलब शानदार आश्चर्यजनक मेरे पास बहुत शानदार ऐसी दुकान रहेगी जो शहर में लोगों ने शायद नहीं देखी होगी आई एल बी लाइक मैरी क्वान मैं उसके जैसी रहूंगी मैरी जैसा बिल्कुल नेचुरल कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं रहेगा बिल्कुल सामान्य अपनी अपने विधा के बल पर अपने गुण के बल पर मैं शानदार दुकान बनाऊंगी जेंसी नोइंग देवियर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलन जेंसी जो है ईयर मार्क मतलब उसके लिए थे दिस पेन इज ईयर मार्क फॉर यू ये पेन आपके लिए है दिस शर्ट इज ईयर मार्क फॉर ए बॉय ऑफ विथ हैविंग दिस मच इंच ऑफ शोल्डर ईयर मार्क निर्धारित होना उसके लिए निर्धारित है नोइंग ईयर मार्क फॉर बिस्किट फैक्ट्री जैनसी को मालूम था कि हम दोनों जो हैं, वो तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे फाइनली। वो थोड़ी दुखी हो गई मेलन कली मतलब दुखी होना उदास होना मेलन कली सीधा उच्चारण चोली नहीं है मेलन कली वो थोड़ी उदास हो गई शी विश्ड सोफी से दीस थिंग्स और उसने उसकी इच्छा उसको लगा उसने चाहा कि सोफ़ी ये सब अब ना बोले आगे क्या ना बोले इतनी बड़ी बड़ी कल्पना की उड़ान की बात ना करे वेन दे रीच सोफ़ीज स्ट्रीट जैनसी सेड जब वो सोफ़ी के दरवाजे के पास की सड़क पर पहुँचे तो जैनसी ने कहा इट्स ओनली ए फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ़ यू रियली शुड बी ग्रेट अब केवल कुछ महीने बचे हैं सोफ अब तो कुछ महीने की बात है कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए यू शुड बी सेंसिबल थोड़ा समझदार हो भाई दे डोंट प्ले दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क दुकान में काम करने के लिए वो अच्छी तनख्वाह नहीं देते अच्छी पगार नहीं देते यू नो इट और तुम्हारे पापा जो हैं वो कभी तुम्हें अनुमति नहीं देंगे योर डैड विल नेवर अलाउ यू ये जेंसी उसको समझा रही है कि एक तो ऐसी कल्पना की उड़ान मत करो दूसरा धरातल पे रहो सच्चाई में रहो कपोल कल्पना की बात मत करो तुरंत सोफ बोलती हैं और एक्ट्रेस नाउ देर इज रियल मनी इन दैट यस एंड आई कुड मे बी हैव द बटिक ऑन द साइड वो बोलती मैं हीरो बन जाऊंगी हीरोइन बन जाऊंगी एक्ट्रेस बन जाऊंगी मानो एक्ट्रेस बनना इतना सरल है नाउ दे इज रियल मनी इन दैट अब तो उसमें बहुत पैसा मिलता है और हो सका तो आई कुड मे बी हैव द बटीक ऑन साइड और संभव हुआ तो मैं साइड बाय साइड बटीक भी चलाऊंगी क्योंकि एक्ट्रेस को पूरे समय काम नहीं करना पड़ता एक्ट्रेस डोंट हैव टू वर्क फुल टाइम डू दे क्या उनको काम करना पड़ता है ना ये सब सोफी बोले चली जा रही है एनी वे खैर जो भी बात हो ट और ए फैशन डिज़ाइनर यू नो समिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड चाहे मैं हिरोइन बनूँ एक्ट्रेस बनूँ या एक फैशन डिजाइनर बनूँ तुम तुम जान लो कि मैं ऐसा चाहती हूँ जो सोफिस्टिकेटेड हो सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत अच्छे तरीके का हो एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रन और फिर उसके बाद ऐसा कहते हुए ये दोनों एक्चुअली चल रहे थे स्कूल से निकल के जा रहे थे तब ये बातचीत हो रही है और जैसे ही उसका घर पहुँचता है सोफ़ी का तो वो अपने घर के दरवाजे पर पहुँच जाती है और जैंसी को अकेला छोड़ देती है उस समय बारिश हो रही थी ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन जैंसी अब पानी में अकेली थी इफ आई एवर कम इन टू मनी आई एल बाई बटिक और दरवाजा खोल के वो अंदर घुसते हुए अपने घर में कहती है कभी मेरे पास इकट्ठा पैसा इकट्ठा हुआ तो मैं एक बटिक खरीदूंगी एक फैशन डिजाइनर की दुकान खरीदूंगी इफ आई एवर कम इन टू मनी देखिए इसका उपयोग कम इन टू मनी मतलब पैसे में आऊंगी नहीं ये एक मुहावरेदार उपयोग है एडियोमेटिक यूज है कम इन टू मनी मतलब कभी मेरे पास यदि पैसा हुआ तो याद रखेंगे इफ आई एवर एवर मैने कभी आई विल नेवर कम टू यू ही विल एवर कम टू मी कभी वो मेरे पास आएगा एंड आई विल नेवर कम टू हिम मतलब वो कभी नहीं आएगा तो ये एवर और नेवर का उपयोग देख एवर एवर मतलब कभी यदि मेरे पास पैसा हुआ इफ आई एवर परफॉर्म वेल इफ आई एवर विन ए मेडल यदि मैं कभी मेडल जीता देन आई एल गेट ए स्कॉलरशिप एवर इफ आई एवर कमिंग टू मनी आई एल बाहते हुए घर के अंदर घुसती है इफ यू एवर कमिंग टू मनी इफ यू एवर कमिंग टू मनी यूल बाई एस ए ब्लेसेड डिसेंट हाउस टू लिव इन थैंक यू वेरी मच ये कोई कहता है उसके पिताजी कहते हैं जो वहां बैठे हुए थे कमरे के अंदर उन्होंने सोफी को कहते हुए सुना कि यदि कभी पैसा आएगा तो मैं आ, मैं पापा मैं बटीक खरीदूंगी तो पिताजी का जवाब क्या होता है वो धुटकार देते है इफ यू एवर कम इन टू मनी यदि कभी तुम्हारे पास पैसा आएगा यदि तुम्हारे पास कभी पैसा आएगा तो हमारे लिए एक अच्छा सीधा सादा मकान खरीद लेना बाय अस ए ब्लेसेड डिसेंट हाउस टू लिव डिसेंट मतलब एक अच्छा साफ सुथरा बहुत बड़ा नहीं छोटा भी नहीं उपयोगी मकान ब्लेड यदि कभी हमको यदि भाग्य साथ दिया तो हमारे लिए एक एक मकान खरीद लेना थैंक यू वेरी मच और ऐसा कहके पापा ने उसको कहा बहुत बहुत धन्यवाद तो एक और धुतकारा करके उसको उसकी बात को काटा और फिर कहा भैया कभी आएगा तुम्हारे पास पैसा तो हमारे लिए एक मकान खरीद देना सोफिस फादर वो स्कूपिंग शेफर्स पाए इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो उस समय जब सोफी ऐसा बोलती है तो उसके पिताजी जवाब देते हैं उस समय वो क्या कर रहे थे उसके पिताजी सोफी के पिताजी स्कूपिंग शेफर्स स्कूप करना मतलब ऐसा निकालना कुछ चीज को चम्मच से झाड़े से फावड़े से मिट्टी को स्कूप करना तो स्कूप करना निकालना इस तरीके से तो वो स्कूपिंग शेफर्ड पाई शेफर्ड का मतलब वैसे होता है चरवाहा शेफर्ड मतलब चरवाहा पर शेफर्ड पाई जो है एक खाने का आइटम है गोश्त है पके हुए अच्छे पके हुए आलू को मिलाकर गोश्त बनाया जाता है उसे कहते हैं शेफर्ड पाई तो उसके पिताजी शेफर्ड पाई निकाल के अपने मुंह में डाल रहे थे और भरने की कोशिश कर रहे थे एज हार्ड एज ही कुड एज हार्ड एज ही कुड गो हिस्स प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वीट उनका जो फूला हुआ था प्लम्प मतलब फूला हुआ चेहरा उनके जो गाल थे गोल मटोल थे गोल मटोल चेहरा फूले थे ज्यादा अच्छा शब्द है गोल मटोल चेहरा प्लम्प दैट दैट बॉय लुक्स प्लम्प प्ल्प मतलब मोटा नहीं होता प्लंप मतलब थोड़ा फूला हुआ थोड़ा ढीला ढाला शरीर जिसका पीठ शोल्डर मसल सब हिल रहे हों मांसल ज्यादा हो सो प्लम्प सो एज हार्ड हेज इट को हिस्स प्लम्प फेस इज स्टिल ग्रिमी ग्रिमी मतलब थोड़ा सा मैला था उनका जो गोल मटोल चेहरा था वो थोड़ा मैला हो गया था और लेकिन मीठा था बड़ा प्यारे दिखते थे मार्ग फ्रॉम द डे दिन के काम के कारण दिन भर के काम के कारण उनका चेहरा ऐसा हो गया था याद रखें इस स्टोरी में पूरे दृश्य बताया गया सोफी है सोफ़ी स्कूल से आ रही है जेंसी के साथ फिर क्या बातचीत होती है फिर सोफी दरवाजे के अंदर घुसती है पापा को कुछ बोलती उस समय पापा क्या कर रहे होते हैं पूरी घटना बड़ा जीवंत विवरण है ऐसा लगता है मानो सामने पिक्चर का पिक्चर जैसा एक दृश्य आ रहा है और शाम हो चली थी मार्ग्ड फ्रॉम द डे दिन भर के कारण जो शरीर थोड़ा चेहरा मैला हो गया था और लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा था पसीने से आता हुआ और शाम हो चली थी क्योंकि सोफी और जेंसी तो स्कूल से लौट रहे थे आगे क्या कहा पापा ने शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड ये पापा नहीं कहते ये सेंटेंस उसका भाई कहता है पापा ने तो जो कहना था पिताजी ने वो कह दिया अब उसका भाई भी जो वहां बैठा हुआ था पास में जो हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिस फादर्स चेयर अपने पिताजी की कुर्सी के पीछे लटका हुआ था हैंगिंग मतलब ऐसा लटकना नहीं जैसे आ, आ, कोई चीज हैंग करती हो पर्दा हैंग करता हो ऐसा नहीं लटका हुआ मतलब उसके बल पर वो टिका हुआ था कुर्सी के बल पर वो टिका हुआ था उसने उसने भी एक ताना मार दिया एक वाक्य कह दिया और उसने कहा वो सोचती कि मानो पैसा पेड़ में होता है नहीं पापा ऐसा नहीं सोचती क्या वो सेड लिटिल डेरेक सो यू हैव सोफी यू हैव जेंसी यू हैव हर फादर एंड नाउ यू हैव डेरेक द ब्रदर हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिस चेयर अब मदर आती हैं देयर मदर साइड एस आई जी एच टूसाई मतलब राहत की ऐसी सांस लेना गहरी सांस लेना जिसमें आवाज हल्की सी आती ये सोशी साइड मदर ने जब सुना तो जब सोफी ऐसा कह रही है तो हर एक की प्रतिक्रिया को देखिए राइटर ने कितने अच्छे तरीके से बताया है फादर ने कुछ कहा डायरेक्ट ने कुछ कहा यहां मदर एक तरीके से गहरी सांस लेती है सोफी हर बैक ओवर सिंक। सोफी ने के बैक को देखा सोफी जो थी वो मां के पीछे पहुंची थी उस समय जब मां झुकी हुई थी सिंक मतलब बर्तन धोने का जो चौके में जो बना रहता है आ, एक तरीके से कंटेनर जिसमें नल रहता है उसको सिंक बोलते हैं तो माँ जो थी वो काम कर रही थी बर्तनों की सफाई कर रही थी इसलिए झुकी हुई थी सो शी वॉज टूब्ड ओवर द शी वॉज टूपिंग ओवर द दो फी वॉश्ड हर बैक स्टूब ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉग्रिविटी ऑफ डेलीकेट बाच फ हर एप्रन स्ट्रिंग देखिए इसमें कई शब्द हैं वॉच मतलब देखना तो सोफी ने जब देखा तो माँ क्या कर रही थी माँ झुकी हुई थी सोफी पीछे से देख रही है और माँ झुकी हुई थी और सिंह के ऊपर और उसने सोफी को लगा उसने वो समझ नहीं पाई आश्चर्य किया कि माँ एक और बर्तन धो रही है वहां दूसरी ओर बड़ा सुंदर उनके एप्रन में गांठ लगा हुआ बड़ा सुंदर धागा है तागा है रस्सी है तो इन मतलब मैच नहीं कर रहा है मिलन मिलान नहीं हो रहा मां काम कुछ कर रही हैं और इतने सुंदर धागे वाला काम वाला उन्होंने धागा अपने एप्रन में लटकाया हुआ है बांधा हुआ एप्रन क्या होता है आप जानते ही होंगे एप्रन होता है जब कोई किचन में काम करता है या कोई सफाई का काम करता है होटल में आपने देखा होगा तो शर्ट के ऊपर या अपने कपड़े के ऊपर ऐसा एप्रन पहन लेते हैं आप देखेंगे एप्रन का पिक्चर ऐसा बांध लेते हैं एप्रन ताकि शर्ट का जो फ्रंटेज है कपड़े का जो फ्रंटेज है सामने का हिस्सा वो गंदा ना हो तो मदर जो एप्रन पहनी थी उसमें जो धागे थे वो बड़े सुंदर थे और काम कर रही थी बर्तन का द डेलीकेट सीमिंग बाव डेलीकेट मतलब जो बड़ा नरम हो सॉफ्ट हो डेलिकेट हो जो तुरंत टूट जाए गिर जाए सी मतलब दिखाई देना ऐसा दिखता हुआ धागे का वो जो बंडल था जो बड़ा डेलिकेट दिख रहा था और उसमें जो माँ थी उसका क्रुकेट बैग दिख रहा था क्रुकेट बैग मतलब क्रुक मतलब ऐसा गोल हो जाना शरीर वजन से वृद्धावस्था से उम्र के साथ थोड़ा झुक जाता है आदमी तो क्रुकेट बैक बैक मतलब पि, पिछला तो वो पिछले हिस्से का एपरन का धागा दिख रहा था जो डेलिकेट लग रहा था बहुत सुंदर प्यारा सा लग रहा था सीमिंग मतलब दिखाई देना। यू सीम टू बी टायर्ड तुम थके हुए दिखाई दे हो यू सीम टू बी टायर्ड तुम थके हुए क्यों दिखाई दे रहे इट सीम्स दैट इट इज़ फाइव ओ क्लॉक नाउ ऐसा लगता है कि अब शाम का पाँच बज गया है इट्स सीम्स सो संभावना रहती है सीम में महसूस होना संभावना होना तो पीछे से सोफी देख रही है और कैसा दृश्य दिख रहा है उसको माँ का उसका वर्णन यहाँ पर है